देखिए कब है कृष्ण का जन्म, क्या है इसका विशेष महत्व। जय श्री राधे। मैं पूजा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ देश भारता चैनल में। इस साल 2019 में कब मनाया जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी? सभी लोगों के मन में यही सवाल है कि कब मनाया जाएगा कृष्ण का जन्म, 23 अगस्त 2019 को या फिर 24 अगस्त 2019 को। मैं आपको बता दूं, दोनों ही दिन मनाई जा सकती है जन्माष्टमी। अगर आपके आसपास कुछ 23 अगस्त को मनाते हैं तो आप 23 अगस्त को मना लीजिए या फिर 24 अगस्त को मना लीजिए। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, दोनों ही दिन जन्माष्टमी मनाई जा सकती है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को एक चीज का भोग नहीं बल्कि 56 भोग लगता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरे भारतवर्ष में विशेष महत्व है। यह श्री विष्णु के रूप के 8वां अवतार है। वैसे तो इस व्रत की तैयारी कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी पूजा जन्माष्टमी के दिन शुरू होती है। घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को रखते हैं। उन्हें गंगा जल से स्नान कराने के बाद नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और विधि विधान से पूजा की जाती है और रात को लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाया जाता है। इसमें लोग पूजा करते हैं और उसको झूला झुलाते हैं, झांकियां निकालते हैं, मिश्री, खीर, दही, मक्खन आदि, खीर आदि का भोग लगाते हैं। भोग के लिए मक्खन, मिश्री, दूध, दही, खीर और मेवा काफी महत्व माना गया है। पूजा में 5 फलों का भोग भी लगाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण को दूध दही बहुत पसंद है। ऐसे में भोग में दूध दही और माखन शामिल किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाया जाता है। श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को इसलिए झुलाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल काल में ज्यादातर कलाएं पालने में लेते लेते ही की हैं। माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अक्सर पालने में रखती थी। कृष्ण जी को पालना बहुत पसंद था और पूरी रात्रि भजन करते हैं, क्योंकि ब्रज में ऐसे संत हैं जो हर रोज भगवान कृष्ण का जन्म मनाते हैं और रोज शाम को पूरे ब्रज को न्योता देते हैं कि शाम को, रात या शाम को कृष्ण का जन्म है, आप जरूर आना। जय श्री राधे।